नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। फतेहाबाद के खेमाखाती चौक पर एक वैन में आग लग गई। बताया जा रहा है कि सिलेंडर फटते समय गाड़ी में आग लगी, जिसके कारण वैन में रखा हुआ पूरा सामान जलकर राख हो गया। वहीं वैन में सिलेंडर भरने वाला व्यक्ति पूरी तरह से झुलस गया, जिसे ले करके इलाज के लिए फतेहाबाद के नागरिक अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। वहीं मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने आग पर काबू पा लिया, लेकिन जब तक गाड़ी पहुंचती उससे पहले ही उसमें रखा सामान जलकर राख हो गया। हालांकि गमन नियमित ये रही कि सिलेंडर फटा नहीं। सिलेंडर फटने से आसपास के क्षेत्र में जहां पर आबादी है वहां भारी नुकसान हो सकता था। फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों ने बताया कि वैन में किसी जनरल स्टोर का सामान रखा हुआ था, जो पूरी तरह से जल गया। वैन में अवैध रूप से गैस भरवाई जा रही थी। पल पल फतेहाबाद से राजेश महबू की विशेष रिपोर्ट। पूरा मामला था जी, और कैसे आग लगी है? मामला सर ये था कि अपने गुलशन बेकरी के पास हमारे पास कॉल आया 8:38 पे कि किसी वैन में आग लगी हुई है। हम गाड़ी लेके मौके पे पहुंचे, वहाँ पर क्या था देखने में आया कि कोई सिलेंडर उसके अंदर ट्रांसफर कर रहे थे, तो उसमें एक आदमी झुलस गया और गाड़ी पूरी तरह से खराब हो गई। तो कहाँ की घटना है और कब की घटना है? घटना ये DSP रोड की है, गुलशन बेकरी के पास की। और हमारे पास तो सूचना 8:38 पे आई थी, 2 मिनट में हम पहुंच गए थे। तो नुकसान क्या क्या हुआ है? नुकसान तो उसमें गाड़ी पूरी तरह से जल के राख हो चुकी है। उसमें सामान था कुछ जनरल स्टोर का गाड़ी के अंदर रखा हुआ था वो, और उसका जो ड्राइवर था या कोई भरने वाला था एक व्यक्ति, वो पूरी तरह से झुलस चुका है। तो आपने मौके पे मौके पे जाके आग को काबू पाया और उस आदमी को एम्बुलेंस के द्वारा उसको सिविल हॉस्पिटल में भेजवाया। क्या नाम है आपका? मेरा ओम प्रकाश।